हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सायंतन चटर्जी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर जहाजी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेन फ्लीट एंड ऑफशोर वेसल्स का जॉब का अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है इसमें एंड कैसे कोई इन बिटवीन स्विच कर सकता है अपने जॉब्स को। शुरू करते हैं ऑफशोर से। ऑफशोर का क्या है, छोटा सा वेसल होता है तो इनका काम बहुत कम रहता है, काम कम रहता है तो इनका क्रू भी कम रहते होंगे। जैसे एक का पैटर्न ऐसा होता है कि एक कैप्टन रहेगा, कैप्टन के बाद चीफ मेट रहेगा, सेकंड मेट रहेगा, थर्ड मेट का ऑप्शनल रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो कंपनी के ऊपर है। उसके वो बाद एबी तीन या चार होगा मैक्सिमम, तीन एबी एक बोसन रह सकता है या तो चार एबी रह सकता है, इतना ही बस सिपका है। कुक का हिसाब से कभी कभी सिंगल कुक भी रहता है, अकेला कुक रहता है, कभी कभी जीएस भी रहता है, वो कंपनी के ऊपर है कि वो कितना खर्चा करना चाहता है कंपनी के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर। इंजन साइड का देखा जाए तो इंजन में चीफ इंजीनियर तो रहेगा ही, देन सेकंड इंजीनियर, देन थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर रहता भी होगा तो वो बहुत बड़ी कंपनी में रहता होगा। इंजन रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम दो से तीन मोटरमैन रहता है, इतना ही है उनका पूरा क्रू स्ट्रक्चर। मेन फ्लीट में अगर बात करें तो मेन फ्लीट में ये लिस्ट बहुत लंबा हो जाता है। जैसे आपका समझ लीजिए पैटर्न ये आता है, पहले ऊपर कैप्टन, कैप्टन के अंदर आता है चीफ मेट, देन सेकंड मेट, देन थर्ड मेट, कभी कभी एडिशनल भी रहता है थर्ड मेट या तो फोर्थ मेट रहता है, देन डे कैडर रहता है। उसके बाद आते हैं बोसन, बोसन के बाद तीन एबी से चार एबी, देन दो ओएस, इतना ये नॉर्मल सा है। देन आप अगर इंजन साइड में देखते हो तो चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, देन फिफ्थ इंजीनियर भी कोई कोई कंपनी रखता है। उसके बाद कैडेट आता है, देन दो मोटरमैन एंड एक वाइपर तो कंपलसरी है, और एक इलेक्ट्रिशियन रहेगा, एक जूनियर इलेक्ट्रिशियन रहेगा, एंड कुक डिपार्टमेंट रहता है, एक चीफ कुक रहेगा एंड सेकेंड कुक या फिर एक जीएस रहता है। अभी जो मेन सवाल आपके दिमाग में आता है कि कोई अगर ऑफशोर वेसल में काम करता है, शुरुआत में हम लोग सबके पास ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस नहीं रहता है, हम लोग कोई भी शिप ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस मामले में आपको क्या कभी चांस मिलेगा कि आप ऑफशोर से मेन फ्लीट जा सके या फिर कोई एक टॉप मोस्ट कंपनी में काम कर सके मेन फ्लीट के? तो एग्जांपल में मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप मुझे देख लीजिए। मेरा करियर शुरू हुआ था, मैं टग बोट में काम किया था, सबसे पहले टग बोट में काम किया, देन क्रू बोट में काम किया, देन अपना सप्लाई वेसल्स में काम किया, एंकर हैंडलिंग सप्लाई वेसल्स में काम किया, देन मुझे मेन फ्लीट में जॉब मिला। मेन फ्लीट में जॉब मिलने के बाद अभी जो मैं कंपनी में सेल करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कंपनी वर्ल्ड्स का नंबर वन कहा जाता है। तो मैं एक बात आपको गारंटीडली बता सकता हूं कि आपका अगर आप पकड़ के रखते हो, अगर आप काम पे जुटे रहते हो एंड आप आंख कान खुला रखते हो, एक्सपीरियंस गैदर करते हो, तो आपको डेफिनेटली मेन फ्लीट में चांस मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप हमेशा ऑफशोर में रह जाते हो, हालांकि ऑफशोर में रहना गुना नहीं है। ऐसा भी होता है कोई कोई जगह पे कि मेन फ्लीट में जो लोग काम करते हैं उनको ऑफशोर में नहीं लिया जाता, क्योंकि इन दोनों में, मतलब ऑफशोर और मेन फ्लीट, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस जॉब कैटेगरीज रहता है। मतलब कुछ काम ऐसा रहता है जो ऑफशोर वाले मेन फ्लीट में जाके नहीं कर सकता है, उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सेम वैसा भी मेन फ्लीट लोग अगर डायरेक्टली ऑफशोर में जाते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो कंपनीज हमेशा चाहते हैं क्या, अगर कोई ऑफशोर में काम करना चाहते हो तो उसको ऑफशोर का एक्सपीरियंस रहना चाहते हैं। सिमिलर मेन फ्लीट में भी सेम होता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ओएस हो या फिर एबी हो तो आपको ज्यादा चांसेस है मेन फ्लीट में काम करने का, क्योंकि मेन फ्लीट में और ऑफशोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इंजन रेटिंग्स का, तो इंजन रेटिंग्स के बारे में मैं बताने वाला हूं कि ऑफशोर एंड मेन फ्लीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है भाई। ऑफशोर में कुछ भी नहीं रहता है, ऑफशोर में छोटा सा इंजन रहता है, डीजल इंजन रहता है, जितना इक्विपमेंट्स भी नहीं होता है। मतलब अगर डिफरेंस मैं रियली बताना चाहूँ तो इनका इंजन रूम का साइज जो होता है ऑफशोर का, उसमें एक प्लेटफॉर्म में उससे ज्यादा कहीं इक्विपमेंट्स रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा नहीं, जॉब मिलेगा, बस आप कोशिश करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, जरूर मिलेगा। एक टाइम बाद एक्सपीरियंस जब गैदर होगा तो आप खुद को ही समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको इन फ्यूचर काम आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।